हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, थोड़ा जा रहे हैं दुर्गापुरी के साइड और आज बिल्कुल सही एंगल आ रखा है गाइस। मैं आपने देखा होंगे अगर मेरे मोटो ब्लॉग, तो उसमें ज़्यादातर आपको नीचे का व्यू दिख पा रहा होगा, लेकिन आज मैंने इतना बढ़िया सेटअप कर रखा है कि मेरे को मतलब ऊपर भी नहीं उठाना पड़ रहा अपना चेहरा। अरे देखो, दिख भी रहा है, स्क्रीन भी दिख रही है। ऐसा होना चाहिए गाइस सेटअप। तो ये शॉर्टकट रास्ते वही, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और यार गाइस, जब ना एंगल सही बैठता है ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है यार। अभी मैं देख रहा हूँ ना अपनी स्क्रीन में, ऊपर वाला भाग मुझे दिख रहा है, तो पता लगा है कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है ना सबको, काफ़ी ऊपर तक दिख रहा है। जबकि मैंने सेटअप वही कर रखा है, हेलमेट से फ़ोन को बांधा हुआ है टेप से, लेकिन इस बार मैंने बहुत केयरफुली काम किया है। वैसे सुबह भी मैंने आज ही के दिन मोटो ब्लॉग किया है, उसको वीडियो मैंने डाल भी दी है। वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर थी, तो मैंने जैसे उसे रिकॉर्ड किया वैसे मैंने उसे एडिट उडिट करके फटाफट 1 बजे के टाइम पर उसे अपलोड भी कर दिया था। तो गाइस, ये गवर्नपुर में आ गए और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे दुर्गापुरी के लिए। अबे फ्री का हाँ जी कर लेते। तो गाइस, एक कंटेंट मिल गया है घमंडपुर में, चौराहे में इन्होंने कुछ लगा रखा है। क्या करना है इसमें? चप्पल हेलमेट। अच्छा, आइए सर जी, थोड़ा वेट देखते हैं आपका भी। गाइस को ऐसे करना है ना सर, उधर से आओ इधर को। अच्छा, सर वो समय से देख रहे थे आप, समय से देख रहे तो अभी देखा इसको। अच्छा, 77 की थी, 76 कपड़े कपड़े लगा के बस ठीक है। वेट भी हाई है, बीएमआई पीरियड साफ नहीं रहता आपका, फैट भी बढ़ा हुआ है। क्या चीज़ दिखा रहा है? सब चीज़ बढ़ा हुआ है आपका, वाटर पानी कम पीते हो आप, ब्रेजर फैट ठीक है, प्रोटीन की कमी है शरीर में। अच्छा अच्छा, जो मसल्स को ये वेट से पता चल जाता है सब चीज़ें। फिर वहाँ पे हमारे दूसरे मसल, हाँ आप नंबर लिखाओ, वहाँ पे आना हमारे यहाँ केवल मैसेज भी ठीक है। सर आपको खाली पेट आना है, यहाँ पे हमारा वेलनेस सेंटर है, ये अमृत प्लाजा बिल्डिंग है, शंकर मार्केट के सामने। अच्छा, बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, उसके अंदर हमारा सेंटर है, वहाँ पे भी हमारे चेकअप फ्री है, जानकारी फ्री है। आप अपने आना चाहते हैं तो आप आके आए, है ना, इसी को लेके आना सर। मतलब 77 केजी का हूँ भाई मैं, मुझे तो लगता था मैं 90 केजी का हूँ। अच्छा गाइस, चलो आपको मैं थोड़ा मोटर डांग के तरफ ले जाता हूँ। मुझे थोड़ा एक डाउट है कि जो मैंने आपको सुबह बताया था रास्ता जो बंद कर रखा था, क्या उसे रात में भी बंद किया रहता है? वो देखने चलते अभी। गाइस देखो, रात के टाइम खुल गया भाई ये यहाँ पर तो इन्होंने लगा रखा था रस्सी। अब देख, हम जा रहे हैं इसमें टाइल वाली रोड में। अच्छा खुल गया है, और ये मशीन इन्होंने किनारे कर दी, अभी यहाँ तक भिज गया गाइस। अब ये यहाँ तक अभी इन्होंने ऐसा काम कर रखा है ताकि कोई गाड़ी गुजरे तो इस काम को ख़राब ना करे। अभी इन्होंने कल काम में आना है, तो मैं ये आपको दिखाने आया था। चलो, मुझे लग भी ऐसी रहा था। तो जो भी लोग, वैसे पता होगा इधर के लोगों को, मेरे को नहीं पता था ना मैं इस रास्ते में, मेरे को लग रहा था इससे पहले कि रात के टाइम भी बंद हुआ रहता है। तो तब मैं आपको जो मैंने फोटो व्लॉग बना के दिखाए थे, उसमें मैं रात के टाइम भी मावाकोट के रास्ते से आ रहा था।
अब ये हो गया कि ठीक है, पता लग गया मेरे को कि रात के टाइम में खोल देते हैं, तो अब से कल से मैं इधर से आऊँगा। रात के टाइम मैंने कुछ काम है ना मेरा कल, तो जब जाऊँगा तो मैं वहीं मोरकोट के रास्ते से आऊँगा, इधर से ही मोटर ढांग के रास्ते से। ओके गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।